अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के हवाले से पढ़ा कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हमने फाइनेंसिंग के हवाले से पिछले मॉड्यूल्स में बात की कि हाइब्रिड फाइनेंसिंग हो सकती है सोशल एंटरप्रेन्योर्स में, तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनमें हाइब्रिड स्केलिंग भी हो सकती है। हाइब्रिड स्केलिंग के लिए जो ग्रोथ स्ट्रेटजी यूज की जाती है उसे हम फ्रेंचाइजिंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली फ्रेंचाइजिंग का फॉर्मूला वही है जो कमर्शियल फ्रेंचाइजिंग में होता है कि एक फ्रेंचाइजर है जिसका कोई ब्रांड है और एक फ्रेंचाइजी है या एक से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हो सकते हैं जो कि लोकली लोकेटेड हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, लेकिन उन्हें अपने आप को बढ़ाने के लिए एक ब्रांड नेम, एक सपोर्ट चाहिए। वो सिर्फ ब्रांड नेम की सपोर्ट भी हो सकती है उस प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से, और वो टेक्निकल इनपुट भी हो सकती है उस प्रोडक्ट या सर्विस को लोकली डिलीवर करने के हवाले से। इसके बदले में जो फ्रेंचाइजी है वो एक बाकायदा फी, फ्रेंचाइजिंग फी जिसको कहते हैं, या रॉयल्टी फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है वो फ्रेंचाइजर को पे करता है क्योंकि वो उसका ब्रांड नेम यूज कर रहा है। वो उसको जो क्वालिटी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो जो है वो फ्रेंचाइजर मेंटेन करता है क्योंकि उसका ब्रांड है, उसे फिक्र है कि हर जो फ्रेंचाइजी है, जो मुख्तलिफ शाखें हैं उसकी, जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो उसी तरह की प्रोडक्ट, उसी क्वालिटी की जो है या उसी क्वालिटी की सर्विस डिलीवर करें जो कि उसका ट्रेडमार्क है। उसके अलावा जो फ्रेंचाइजी है उसको फायदा होता है कि उसे नए सिरे से इनोवेट नहीं करना पड़ता, उसको एक बना बनाया नाम मिल जाता है और जब उसे उस नाम की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के हवाले से प्रॉब्लम आती है तो उसे बहुत एक्सपेंसिव ह्यूमन रिसोर्स नहीं हायर करना पड़ता, बल्कि वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी फ्रेंचाइजर से टेक्निकल इनपुट या सपोर्ट ले सकता है। ये अमूमन फ्रेंचाइज के जो मुआहदे होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं कि क्या कुछ जो है वो फ्रेंचाइजर देगा और उसके रिटर्न में फ्रेंचाइजी जो है वो इन टर्म्स ऑफ फी और रॉयल्टीज क्या पे करेगा। दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। जो फ्रेंचाइजर है उसका इम्पैक्ट, उसका ब्रांड, उसका मिशन आगे बढ़ रहा है जिसके लिए उसे कुछ खास एफर्ट नहीं करना पड़ रही। जो फ्रेंचाइजी है उसकी स्केलिंग इस लिहाज से ज्यादा तेजी से हो रही है कि उसे नए सिरे से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा, बल्कि एक बनी बनाई प्रोडक्ट या एक सर्विस डिलीवर करने का तरीका या एक इक्विपमेंट जो है वो उसको मिल गया और जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आती है उसकी डिलीवरी में तो उसको टेक्निकल इनपुट जो है वो भी लेस एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजर से मिल जाती है। ह्यूमन सर्विसेज और जो सोशल सेक्टर है उसमें जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें फ्रेंचाइजिंग आम है। आप जाहिर है जैसे इंट्रोड्यूस हुआ उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रांचिंग की निस्बत लेस एक्सपेंसिव है और इसको इसमें क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एफिलिएशन से ज्यादा है। फ्रेंचाइजिंग की एक एग्जांपल जो पूरी दुनिया में जानी जाती है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में ग्रीन स्टार के नाम से एक सोशल मार्केटिंग एजेंसी थी, उसको फैमिली प्लानिंग और फैमिली हेल्थ सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए यूज किया गया। वो इतना इफेक्टिव रहा उनका कि अब ग्रीन स्टार जो है वो एक तरह से फैमिली प्लानिंग और फैमिली हेल्थ सर्विसेज का ट्रेडमार्क या ब्रांड बन गया है और पूरे पाकिस्तान में क्लिनिक्स, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, सिर्फ सेंटर्स, रूरल सेंटर्स, इंडिविजुअल्स जो हैं वो ग्रीन स्टार के फ्रेंचाइज के तौर पे, उसके फ्रेंचाइजी के तौर पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स, फैमिली प्लानिंग की प्रोडक्ट्स वो ग्रीन स्टार की हैं, यानी क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो ग्रीन स्टार करता है। उनकी डिलीवरी जो है सर्विसेज की वो लोकल जो उसके फ्रेंचाइजीज हैं, जो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वन डॉक्टर क्लिनिक भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, वो करते हैं। जहां कहीं उन सर्विसेज की डिलीवरी के हवाले से, फैमिली हेल्थ के हवाले से कोई इश्यूज आते हैं तो ग्रीन स्टार जो फ्रेंचाइजर है वो टेक्निकल इनपुट देता है, वो इमरजेंसी या एक्सपर्ट जो एडवांस लेवल की हेल्थ एडवाइस है वो ग्रीन स्टार फ्राहम करता है। ये दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव और जो इंतहाई तेजी से स्केल होता हुआ फ्रेंचाइजिंग का मॉडल समझा जाता है। थैंक यू।